क्या बेच रही? बर्गर। क्या किसी भारतीय के दिमाग में ये नहीं आया कि हमारे देश में बनने वाली एक कचौरी, एक समोसा, एक आलू बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सकता है? बुलशिट। आया तुम्हारे दिमाग? मेरे दिमाग में नहीं। उन्होंने कोका कोला को बॉटल में भर के बेच दिया। हम अपने नींबू पानी को आज तक भारत में पिला। ये हमारी सोच की कमी है। कब तक यूं ही हम लोग उनकी चीजें अपनाते रहेंगे? कब भारतीयों को वो अकल आएगी कि अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर बेचे? क्या हम भारतीयों का खून खून नहीं रह गया, पानी हो चुका? हमारी सोच से इतनी कि 200-400 रुपए रोज के मिल जाए? अगर ये सोचे तो ट्रेनिंग आज से छोड़ दो। पैसा एक प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या, एक नगर वधु भी कमा लेती। सोच कमाना बहुत मुश्किल काम है। सोच कमाना शुरू करो आज से। युवा जोश पावर है। मैं तुमसे उम्र में 10-20-15 साल बड़ा ही हूं, लेकिन मुझमें आज भी काम करने का जुनून है, पागलपन है, दीवानगी है। वो दीवानगी, वो पागलपन, वो जुनून एक दिन अंदर सवार हो गया, मैं चैलेंज देता हूं, सीट से खड़े हो जाओ, बनाओ वो प्रोडक्ट जिसे दुनिया खरीदे, सीखो वो तरीके जिसके बेसिस पर लोग तुम्हारे पास चले आए कि नहीं ये बंदा है। पैदा करो वो दम अपने अंदर जिसके बेसिस पर लोग तुम्हारे गुलाम हो जाए। पूछते हुए चले आए तुम्हारे पास, सीखो वो तरीके, वो स्किल्स, वो क्वालिटी। कब तक यूं ही मर मर के जियोगे यारो? चलो आज से कुछ यूं करें कि जी जी कर मरेगा। मरना तो है आज से, लेकिन जी जी के मरना शुरू कर दो, कुछ चेंज करना शुरू कर दो। बोलो बात पक्की है नहीं? आवाज में दम नहीं है। बोलो। अपने मुकाम खुद तय करो, अपने तरीके खुद तय करो, अपनी सोच को खुद तय करो। है एग्जाम्पल, मैं अपने साथ 2-3 पुस्तकें भी लाया, उसमें से भारत के वो लोग जिन्होंने उद्यमिता की चरम सीमाओं को हासिल किया, उसमें से एक नाम है चंद्र शेखर। इस किताब के अंदर पहला ही नाम उस महान व्यक्ति का है जिसने भारतीयों को बिजनेस करना सिखाया। बोलने की जरूरत नहीं है इस व्यक्ति का नाम, सबको मालूम होना चाहिए। ये बिजनेस का राजा है इस देश का। कहां से शुरू किया? पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के बाद इस व्यक्ति ने जीवन में तय किया कि जिस पेट्रोल पंप पर मैं पेट्रोल भर रहा हूं उससे बेहतरीन एक दिन कंपनी बनाकर दिखाऊंगा। और आज रिलायंस इनकॉर्पोरेशन विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी के रूप में जामनगर के पास हजीरा नाम का एक छोटा सा स्थान है, वहां पर इसने अपनी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी की स्थापना इसके दोनों बेटों ने की। ये सोच का कमाल है। एक समय वो था कि इस व्यक्ति के पास एक टेबल और एक चेयर और एक किराए का टेलीफोन के अलावा कुछ नहीं था। हमें क्या सांप सुन गए? हमारे अंदर का जोश खत्म हो चुका है? वो क्या चीज है जो इंसान को इस लेवल पे ले जाती है? है एग्जांपल इसे। ये एग्जांपल मेरे सामने जो सबसे प्यारा एग्जांपल है जिसे मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर पसंद करता हूं, इन्फोसिस के मालिक श्री एनआर नारायण मूर्ति। बहुत कम लोगों ने नाम सुना। एक समय इनके पिताजी की तनख्वाह मात्र 170 रुपए, आज से लगभग 50 साल पहले। इतना पैसा नहीं था कि 7 भाई बहनों को पढ़ा सके इनके पिता। ट्यूशंस करके खुद ने पढ़ना शुरू किया। देखिए, जिंदगी का जो वक्त गया वो गया, अब वो आपके हक में नहीं है जैसा कि मैं बता चुका हूं। लेकिन इन्फोसिस के मालिक ने आज से कुछ साल पहले अपनी पत्नी के गहने बेचकर एक छोटे से गैराज के अंदर एक छोटी सी कंपनी 5 दोस्तों के साथ मिलकर चालू की जो सॉफ्टवेयर का बिजनेस करती थी, जिसके पिता की तनख्वाह मात्र 170 रुपए थी। आज वो कंपनी 5 दोस्तों की बदौलत 70,000 करोड़ रुपए का ग्रुप बन चुकी है। ये दम है इन लोगों में। पिघल जाते हैं, पिघल जाते हैं, दुआ भूल जाते हैं कि हम क्यों हैं इस दुनिया में।
भगवान ने हमें भेजा है दुनिया में, शादी करो, बच्चे पैदा करो और जियो, फिर वो जिए, फिर जिए लाइफ पर धिक्कार है। लाइफ वो हो जिसके अंदर आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर हो और लोग आपको वाकई पूछें कि नहीं यार ये बंदे से मिलना, जन्मों जन्मों तक याद रख सकें आपको वो कुवत, वो क्वालिटी, वो क्षमता, वो दक्षता, वो गुण, वो पावर पैदा करो अंदर। सिर्फ सीखो मत, इस्तेमाल करके दिखाओ, चेंज करके दिखाओ। है एग्जांपल्स ऐसे हो, 70 के दशक में हमारे देश के अंदर अमिताभ बच्चन को एक सुपरस्टार के रूप में गरीबों का मसीहा बताया, आधे से ज्यादा 70% भारतीय गरीब बन गया उनका मसीहा। अमीर की लड़की से शादी करता है तो सारे गरीबों को सुन लिया कि अमीर ना लाया कर देंगे, छोड़ियो तो शादी करेंगे। क्या बुलशिट बातें हैं। जो आज कहीं ना कहीं अमीर पोजीशन पर या टॉप मोस्ट पोजीशन पर है उसके पीछे उसके कई वर्षों का संघर्ष है। जबकि इस प्रकार की फिल्मों में बताया जाता था कि अमीर जो होते हैं वो गरीबों का खून चूसते हैं। तुम पैसा कमाते हो तो क्या किसी का खून चूसते हो? तुम्हारे पिता खेती करते तो क्या किसी का खून चूसते हैं? क्या तुम होटल चलाते हो तो क्या तुम किसी का खून चूसते हो? आना होगा और नहीं आना तो बताओ, मैं इस कंपनी के द्वारा इस प्रोडक्ट को बेच रहा हूं मार्केट के अंदर, खरीदना हो तो खरीदो मत खरीदो। क्यों खरीदते हो 15-15 हजार रुपए की मोबाइल? क्यों खरीदते हो 20-20 हजार रुपए की कैमरा? क्यों खरीदते हो 40-40 हजार रुपए की मोटरसाइकिल? मत खरीदो, बनाओ खुद अपनी। उन्होंने दिया है समाज को क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है, अब तुम्हारी बात है ये प्रूव करके तुम्हें दिखाना कि तुम किस प्रकार से आगे बढ़ो। थोड़ी थोड़ी देर के अंदर हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे हम लोगों को नर्वस में जाना शुरू होते हैं। यस, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था लिटल डर, इंग्लैंड का था। मैं भारत, अमेरिका, इंग्लैंड सबके एग्जांपल्स मिले जुले तौर पर बताने की कोशिश करता हूं। सिर्फ उसके पीछे एक ही तर्क है कि अच्छे और बुरे इंसान हर देश में, ऐसा नहीं है कि हम भारतीय बहुत महान, ऐसा भी नहीं है कि अमेरिकन पूरे नलायक हैं या ब्रिटिशर पूरे नलायक। तो एक छोटा सा बच्चा लगभग 12-13 वर्ष की उम्र का, माता पिता का देहांत हो चुका, न्यूज़पेपर्स बेच करके अपने जीवन की रोजी रोटी चलाता,